हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के एजुकेशन कोर पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जलवायु परिवर्तन होता क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। आप कई बार एग्जाम में देखते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आप कई बार सही कर लेते हैं लेकिन कई बार चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होंगी। तो ठीक है, वीडियो अगर देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन जो औसत मौसमी दशाएं होती हैं, मतलब जिस तरीके से जो चीज़ें चली आ रही होती हैं उनमें किसी भी तरीके का बदलाव जो होता है, जो बदलाव देखने को मिलता है। अगर आप बात करेंगे अभी कुछ साल पहले, 10 से 15 साल पहले की अगर आप बात करते हैं तो वेदर इतना गर्म नहीं था। अभी हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं महासागर पिघल रहे हैं, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जो भारत की अगर क्लाइमेट की बात करें स्पेशली, तो जो सर्दी का मौसम है या सर्दी का जो समय था वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। तो जो एक औसत मौसम की दशाएं होती हैं कि 4 महीने के लिए सर्दी होगी, 4 महीने के लिए गर्मी होगी, 4 महीने के लिए बारिश होगी और बाकी मौसम ऐसा रहेगा, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश, एक अच्छा सा मौसम। तो ये सारी दशाओं में परिवर्तन जो अब आता है तो उसी को कहते हैं क्लाइमेट में चेंज। जो जलवायु है वो किस तरीके से बदल रही है और किस तरीके से उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। आप देखेंगे जब पहले कभी जब एसी वेसी नहीं हुआ करते थे, ये सब क्या है, ये इन सब चीज़ों के बारे में भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब ये चीज़ें नहीं थी तो दशाएं या जो नेचर था वो इतना गर्म नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनी या जो चीज़ें मानवीकरण से भी इन्हें कह सकते हैं, इसमें बदलाव आता है और कई बार प्राकृतिक रूप से भी इसमें बदलाव आता है। तो एक तरीके से अगर इसे समझने की कोशिश करें तो जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं, मतलब जो चली आ रही थी दशाएं उनमें कोई परिवर्तन देखा जाता है, ऐतिहासिक पैटर्न के रूप में इनको देखा जाता है और इसी बदलाव आने को हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। इसके बदलाव को क्या होता है कि इतिहास रूप में दीर्घ जो समय है उसको डिवाइड करके देखा जाता है कि किस अवधि में किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटित हुई और किस किस तरीके से ये बढ़ा या फिर घटा। यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और यह बदलाव मानवीय कार्यकलापों से भी हो सकता है। मानवीय कार्यकलापों में अगर बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को माना जाता है क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति के बाद अनेकों प्रकार की गैसों का परिणाम रहा है। जब बहुत ज़्यादा उद्योगों में परिवर्तन आया, औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद बहुत सारे उद्योग लगाए गए और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हुई, लेकिन उनको सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं किया गया, उनको फिल्ट्रेशन नहीं किया गया चीज़ों का, गैसों का या जो वहाँ से मल निकलते थे उन चीज़ों का। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक तरीके का जो परिवर्तन आया जलवायु में वो देखने को मिलता है। कारण जान लेते हैं, जरा कारण क्या क्या होते हैं। एक गैस जो सभी लोग जानते हैं, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमें इस रेफ्रिजरेटर से, एसी से, इन सभी जगहों से ये सब गैसेस निकलती है, ये भी बहुत ज़्यादा इसकी सांद्रता को बढ़ाती हैं CO2 के। कारण देखते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। प्रकृति में जब किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं रहता है, प्रकृति क्या है, प्रकृति एक अपना बैलेंस बना के रखती है हमेशा, और जब ये बैलेंस बिगड़ने लगता है उसी समय पर इस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के जलवायु कारक या जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसमें एक और कारण हो सकते हैं। अब इसमें कारण जिम्मेदार जो मेन तौर पर होते हैं वो होते हैं सौर विकिरण में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, महाद्वीपों की परावर्तकता में बदलाव। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको 4 ऑप्शन में दिए होंगे और पूछ लिया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन के कौन से कारण हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ UPSC की, वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वातावरण, महासागरों और पर्वत निर्माण और महाद्वीपीय बहाव तथा ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में परिवर्तन आदि इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें, इन एक एक टॉपिक पे बहुत बड़े बड़े वीडियो हैं अपने आप में। आगे चल के मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगते जाएंगे मैं आपके साथ बना लूँगी। जलवायु परिवर्तन के अंदरूनी तथा बाहरी कारक भी हो सकते हैं। अगर अंदरूनी कारक की बात करें तो जलवायु प्रणाली के भीतर ही प्राकृतिक जो प्रक्रियाएँ हैं उसमें हो रहे परिवर्तन शामिल हैं, जैसे कि
ऊष्मिक परिसंचरण भी इसमें शामिल है। आगे है बाहरी कारकों में कुछ प्राकृतिक, जैसे सौर उत्पादन में परिवर्तन हो गया, पृथ्वी की कक्षा में हो गया, जलवायु विस्फोट हो रहे हैं, या फिर मानव जनित जैसे कह लेंगे ग्रीन हाउस गैसें और धूल के उत्सर्जन में वृद्धि होना, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। कुछ परिवर्तन कारकों को जलवायु में बहुत जल्दी, जो कुछ कारक ऐसे होते हैं जिससे जलवायु में तुरंत परिवर्तन नज़र आने लगता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव पड़ने में सालों लग जाते हैं। तो आपको समझ में आया ना ये चीज़ कि आखिर क्लाइमेट चेंज है क्या, क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अक्सर कर याद रखनी और एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इस पर ऐसे भी आ सकता है लिखने को, या फिर इसके अंदर की भी पूछ सकता है क्लाइमेट चेंज क्या है। और अक्सर कर क्वेश्चन जो एक एक नंबर में आते हैं, और अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन आपके पास चार ऑप्शन में आता है उस समय पर क्वेश्चन को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें, फैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अगर इसमें देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अक्सर कर पूछा जाता है। पृथ्वी का वातावरण सूर्य की ऊर्जा का ग्रहण कर लेता है। क्या होता है, पृथ्वी का जो वातावरण है वो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करता है, उसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आप देखते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इसकी एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल होते हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है उससे समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। ये गैसों की ऊर्जा का शोषण करके पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। ये क्या करती है, एनर्जी को शोषण करती हैं और उसके बाद क्या करती है, पृथ्वी को गर्म कर देती हैं। इससे पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। गर्मी की ऋतु लंबी और जो सर्दी की ऋतु है उसकी अवधि क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। इसे ही हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कौन कौन सी गैसें हैं देख लेते हैं। अब अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इसके जलने पर क्या होता है, सबसे ज्यादा 57% कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे होती है, वृक्षों को काटने से भी हो जाने पर होती है, तो 17% लगभग इस चीज से होती है। मीथेन देखी जाए तो 14%, नाइट्रस ऑक्साइड देखी जाए तो 8%, और कार्बन डाइऑक्साइड देखी जाए 3%, और फ्लोरेटेड गैस देखी जाए तो 1%। तो ये देख रहे हैं कि आप जो रेशियो है इसका, सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब सांद्रता बढ़ने लगती है जलवायु में तो क्या हो जाता है, बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने लगते हैं। समय से जो चीज़ जिस समय पर होनी चाहिए वो चीज़ उस समय पर नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि सर्दी का महीना लगभग नवंबर से लेकर, जो इंडिया में मौसम शुरू होता है नवंबर से लेकर आगे 4 महीने तक जो वेदर रहना चाहिए वो बिल्कुल श्रिंक होता जाता है धीमे धीमे, और कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी अचानक से बहुत सर्दी हो जाती है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो इसी वजह से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज। जब बहुत सारे टाइम से कोई चीज़ चली आ रही होती है और उसमें कोई बदलाव, धीमे धीमे बदलाव दिखाई देते हैं, ऐसे कई बार बहुत जल्दी भी दिखाई देते हैं लेकिन कई बार बहुत धीमे धीमे बदलाव दिखाई देते हैं, तो उससे ये चीज़ें समझ में आती हैं कि किस तरीके से जलवायु में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।